संविधान पर जिसने शपथ ली है उसके मुंह से तो ये अल्फाज बहुत गंदे हैं। प्यासी वोट देने का मतलब क्या है? प्यासी उसको वोट देते हैं चारों तरफ बिखर जाती है। तो मैं समझता हूँ कि जो लोग भी इस तरह के बयानबाजी कर रहे हैं चाहे वो किसी भी समुदाय से हो, सबके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। नहीं, जो गलत है वो तो गलत है, तो जाहिर सी बात है प्रशासन जो करेगी वो सही करेगी। जी जी, जो गलत है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। हरियाणा विधानसभा में गौरक्षक मोनू मानेसर के खिलाफ प्याज फोड़ देने जैसी अनुचित भाषा इस्तेमाल करने वाले विधायक मामन खान की गिरफ्तारी के बाद अब गुरुग्राम के इमाम संगठनों से लेकर मुस्लिमों ने भी उनका साथ छोड़ दिया है और ऐलान कर दिया है कि ऐसी भाषा शैली इस्तेमाल करने वाले और दंगे भड़काने वाले चाहे वो विधायक ही क्यों ना हो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। आखिर किस तरह की कार्रवाई की मांग की है मुस्लिमों ने, दिखाएंगे आपको इस खबर में। नमस्कार, मैं हूं मन्नू मेहता और आप देख रहे हैं गुरुग्राम न्यूज। हरियाणा के फिरोजपुर झिरका विधानसभा से एक विधायक जो कि प्याज फोड़ू विधायक के नाम से मशहूर हो चुके हैं, उन्होंने हरियाणा विधानसभा में ऐसी भाषा शैली इस्तेमाल की थी जो कि बिल्कुल अनुचित थी और गौरक्षक मोनू मानेसर के खिलाफ उन्होंने ऐलान किया था कि अब की बार अगर गौरक्षक मोनू मानेसर मेवात में घुसता है तो उसकी प्याज सी फोड़ देंगे। उसके बाद नूह पुलिस के पास भी ऐसे काफ़ी सबूत हाथ लगे थे कि उनकी नूह वायलेंस में उनकी इन्वॉल्वमेंट पाई गई थी, कई जगह उनका जाना भी पाया गया था, तो कई लोगों के संपर्क में भी थे। आखिरकार नूह पुलिस ने उन्हें राजस्थान से गिरफ्तार कर उन्हें अब उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है और इसी को लेकर गुरुग्राम में जब जुम्मे की नमाज अता हो रही थी तो उस नमाज के दौरान बाकायदा गुरुग्राम के इमाम संगठन ने सभी को ये हिदायत दी कि ऐसे लोगों के साथ बिल्कुल नहीं जाना है। जो भी इस तरह की, चाहे वो विधायक हों चाहे कोई भी हों, उनके खिलाफ प्रशासन से लेकर सरकार से उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग भी की है। आइए आपको सुनाते हैं गुरुग्राम इमाम संगठन के जो इमाम हैं उनसे लेकर जो यहाँ आए लोग हैं आखिर उनका क्या कहना है, सबसे पहले आपको वो सुनवाते हैं। इमाम संगठन की तरफ से ये है कि जो भी मुजरिम है और अगर जो भी मुजरिम है और सबको सज़ा मिलती है तो मैं समझता हूँ कि ये इंसाफ है और इससे मुल्क चलेगा। मतलब उनकी गिरफ्तारी को सही मानते हैं अगर सरकार ने, अगर उनके ऊपर आरोप लगे हैं और सही लगे हैं तो कोई भी उसमें कोई इमाम संगठन इस चीज़ का उनको कोई समर्थन वगैरह तो नहीं? मुजरिम का कोई समर्थन नहीं। प्याज से फोड़ देंगे, प्याज फोड़ने के बाद क्या होता है, आंखों में क्या आता है, आंसू से निकलते हैं ना, तो सबके आंसू निकले, सभी के आंसू निकले। तो मैं समझता हूँ कि जो लोग भी इस तरह के बयानबाजी कर रहे हैं चाहे वो किसी भी समुदाय से हों सबके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। ये देश मोहब्बत से चलता है, नफरत से नहीं चलता। तो गुरुग्राम इमाम संगठन भी आज आपने भी लोगों से मैंने दुआ भी की है कि इस देश में हम सब लोग मिलजुल कर रहते आए हैं सदियों से और मिलजुल कर ही रहेंगे और मोहब्बत से चलता है। हम अपनी दुआ में सबके लिए दुआ करते हैं, एक विशेष अपने लिए नहीं करते, सभी के लिए करते हैं, सबके कारोबार की तरक्की के लिए करते हैं। और ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई के लिए भी बिल्कुल, जो भी मुजरिम है चाहे वो किसी भी समुदाय से, मैं फिर कहूँगा कि इमाम संगठन विधायक है और इमाम संगठन प्रशासन का सपोर्ट करेगा और सरकार के साथ है। अगर वो मुजरिम है तो कोई भी हो हम उनके साथ समर्थन करते हैं। इमाम साहब, जब नू वायलेंस के बाद कुछ गाड़ियाँ जली थी, काफ़ी कुछ सामने आया था, ऐसे में क्या अब मेवात से लोग पहले नमाज अता कराने के लिए आते थे, इमाम संगठन से भी जुड़े थे, क्या आज भी वो आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं? जो लोग भी आते थे मैंने उन सबको मना कर दिया है, क्योंकि यहाँ के लोगों की भी गाड़ियाँ जली हैं, 15 या 20 गाड़ी यहाँ के लोगों की भी जली है, उनमें गुस्सा है और मुझे ऐसा अंदेशा था कि अगर मेवात के लोग यहाँ पे आएंगे नमाज़ पढ़ाएंगे और इससे पूरी कम्युनिटी एक डेंजर जोन में चली जाएगी। और मैंने प्रशासन से भी कहा था कि इसमें थोड़ा सा गौर करें, तो उन्होंने कहा था ठीक है मैं देख लेता हूँ, क्योंकि वो लोग 150 किलोमीटर से 100 किलोमीटर से नमाज़ पढ़ाने के लिए आते हैं। तो मैं समझता हूँ कि यहाँ पे मल्टीपल पूरे भारत से लोग आए हुए हैं, उन्हीं में से कोई इमाम बन जाएंगे, हमें ज़रूरत नहीं है कि इधर उधर से बुलाने की और पूरी कम्युनिटी एक डेंजर जोन में चली जाए। लेकिन एक विधायक की टिप्पणी पर हैरानी होती है कि विधानसभा में इस तरह की बातें करना विधायक को शोभा देता है? संविधान पर जिसने शपथ ली है उसके मुँह से तो ये अल्फाज बहुत गंदे हैं। प्यासी फोड़ देने का मतलब क्या है? प्यासी उसको फोड़ देते हैं चारों तरफ बिखर जाती है। हमारी पूरी कम्युनिटी और तमाम भारत के लोग बिखर गए हैं और इसका इंटरनेशनल मुद्दा बन गया है। ये किस लिए बना है? प्यासे अब नौजवान हैं, लड़के हैं, वो उसके जोश में आ गए और उन्होंने कर दिया गड़बड़। कितना नुकसान हुआ, कितनी इंसानियत का नुकसान हुआ, हमारे भारत की बदनामी हुई बाहर,
कि वहाँ वायलेंस हुआ है। नहीं ऐसे ही मानते हैं अगर उनके ऊपर आरोप। देखिए ऐसे ये प्रशासन है, ठीक है, सरकार है, जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। तो मतलब अपने संगठन ने भी आज उन्हें कहा है कि जो गलत है वो गलत है। तो जो गलत है वो तो गलत है, तो जाहिर सी बात है प्रशासन जो करेगी वो सही करेगी। हाँ गलत किया है, कोई भी हो गलत किया है तो वो सही है। तो इसके खिलाफ कड़ा कार्रवाई की भी मांग करते होंगे भाई उनके खिलाफ? जी जी, जो गलत है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। कुल मिलाकर हरियाणा के इस प्याज फोड़ू विधायक के खिलाफ अब मुस्लिम समुदाय ने भी बिगुल बजा दिया है और हरियाणा सरकार से खुलकर मांग की है कि ऐसे विधायक के खिलाफ तो कड़ी कार्रवाई बनती है। अब डिपेंड करता है सरकार पर और हरियाणा पुलिस पर कि आखिर वो इस केस को किस तरह से प्रोड्यूस करती हैं, क्या वास्तव में उनकी इन्वॉल्वमेंट थी, और अगर थी तो उन्हें कितनी सजा दिलाते हैं, ये तो आने वाला समय ही तय करेगा। इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक सही जानकारी सही समय तक पहुँच सके। नमस्कार।